उत्तर प्रदेश स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के निदेशक अनुज कुमार झा ने योगी बाबा गंभीर नाथ प्रेक्षागृह में ग्राम प्रधान, ग्राम सचिव सहित अन्य अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसके संबंध में प्रदेश के स्वच्छ भारत मिशन के निदेशक अनुज कुमार झा ने बताया कि मंडल के ODF परियोजना की प्रगति की समीक्षा की गई है। इसके अलावा पंचायती राज विभाग के सामुदायिक शौचालय का निर्माण, पंचायत भवन का निर्माण, जन सुविधा केंद्र के अतिरिक्त कक्ष के निर्माण कार्यों की समीक्षा की गई है। सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि कार्यों को समय अवधि में पूरा कर लिया जाए, जिससे ग्राम पंचायतों में स्वच्छ वातावरण का निर्माण हो सके। इस अवसर पर महाराजगंज के CDO गौरव सिंह सोगरवाल सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए प्रदेश के स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के मिशन निदेशक अनुज कुमार झा और DPRO हिमांशु शेखर ठाकुर ने कहा, हमारे बीच में स्वागत करता हूँ निदेशक महोदय, मंच पर उपस्थित मुख्य विकास अधिकारी महोदय और सभी जनपदों से स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत चयनित उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ और कोशिश रहेगी कि जल्दी से आपसे बात हो सके और समय से खत्म हो सकता है या आवश्यक है। इससे पहले भी आप राज्य स्तर पर लखनऊ निदेशालय सभी लोग गए होंगे, कार्ययोजना के हिसाब से उसका प्रेजेंटेशन हुआ, जो कमियां थी वो बताई गई आपको, उसको आपने ठीक करके अभी भेजना है। अब तक 45 गांव पंचायत की ही कार्ययोजना जा चुकी है लखनऊ पर, उसका बजट एलोकेट हो गया और संबंधित ग्राम पंचायतों को जा भी चुका है। कि ऐसा क्यों हो रहा है, इतना विलंब क्यों हो रहा है, तब तक तो हमें धनराशि प्राप्त कर लेनी चाहिए। जो काम करने के लिए आप सीखने गए थे सारे लोग नहीं गए, जनपदों से ये इस महीने में के अंदर ही सबको दिखाया जाएगा और सिखाया जाएगा कि ये होता क्या है। अभी जब मैं बताऊंगा कि ODF प्लस के अंतर्गत आपको काम क्या करना है, तो आपको लगेगा कि ये तो इतना ही काम था, अब इसी की कार्य योजना बनाने में हम इतना समय निकाल दिए और काम पूरा नहीं हो पाया, अभी पैसा ही नहीं ले पाया। आप जब गए होंगे आपके प्रेजेंटेशन में और अब तक आपने बनाया होगा, फेस फर्स्ट में क्या किया था आपने, फेस फर्स्ट में जितने परिवार थे जो बेस लाइन सर्वे में थे उनको शौचालय 12,000 रुपया दिया गया था, वो बनाया, वो उनके हाथ में बनाना था, और स्कूल शौचालय और आंगनबाड़ी का काम हुआ। तो जब दूसरे के हाथ में बनाना था, आपको सिफारिश करके करवाना था काम, तो एक साल पहले आपने पूरे प्रदेश को ODF कर दिया। अब इस बार सौभाग्य से सरकार ने आपको पहले चरण में ही चुन लिया है, होना सभी गांव पंचायतों में है, प्रदेश के प्रत्येक ग्राम पंचायत में ODF प्लस का उसकी जनसंख्या के आधार पर जो धनराशि दी जानी है वो दी जाएगी। 30% 15वें वित्त आयोग का लगाना है, सबका होना है, लेकिन आप सौभाग्यशाली हैं कि प्रथम चरण में ही आप चुन लिया गया और इस डिवीजन में काफी गांव पंचायतें 312 ली गई है और ये सब 5,000 या उससे ऊपर की आबादी के गांव हैं। पर कैपिटा आपको पता है 705 रुपए की दर से आपको धनराशि मिली है। इतने की कार्ययोजना बनानी थी आपको, कार्ययोजना बनाने में ट्रेनिंग में समझाया गया था करना क्या है, करना हमें क्या था, सॉलिड का वेस्ट मैनेजमेंट और लिक्विड का वेस्ट मैनेजमेंट, और जो पहले काम किया है पहले चरण में उसको अस्थाई बनाए रखना, मतलब जो शौचालय बने हैं वो ठीक रहे और इस्तेमाल हो। सॉलिड और लिक्विड में ये बताया गया था आपको ट्रेनिंग में कि सॉलिड का पहले करना, इसलिए कि सॉलिड का काम पहले कर लेंगे तो लिक्विड अपने आप लोड कम हो जाएगा, पॉलिथीन जाएगी नहीं नाली में, कूड़ा नाली में जाएगा नहीं, तो पानी का मैनेजमेंट फिर ग्रे वाटर का और ब्लैक वाटर का मैनेजमेंट आसान हो जाएगा। ग्रे वाटर और ब्लैक वाटर में बोलूंगा आपको पता ही होगा, गोरखपुर मंडल के हमारे सभी जिलों की आज जो है
ODM फेज टू यानी कि ODF प्लस की जो कार्य योजना है उस पर क्या प्रगति हो रही है उसकी समीक्षा की। साथ ही जो हमारे पंचायती राज विभाग के अन्य जो कार्य हैं, चाहे उसमें सामुदायिक शौचालयों का निर्माण है, व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण है, पंचायत भवनों का निर्माण है, और इसके अलावा जो जन सुविधा केंद्रों का जो लोकेशन किया जाना है पंचायत भवन के साथ, उसमें भी जहां अतिरिक्त कक्षों का निर्माण होना, इन सब कार्यों की समीक्षा होनी है। तो हमारे जो संबंधित सारे ग्राम प्रधान जी हैं वो आए हुए हैं, हमारे जो विभाग के सभी अधिकारी और कर्मचारी आए हुए हैं, और सभी जनपदों के मुख्य विकास अधिकारियों के द्वारा भी इसमें प्रतिभाग किया जा रहा है। हम लोग सारी योजनाओं की समीक्षा करेंगे, और विशेष करके जो हमारी SBM फेज टू की है, जिसमें कि ठोस और द्रव कचरे का निस्तारण, ये महत्वपूर्ण बिंदु है, उस पर बहुत ही तेज़ी से हम लोगों को इसमें प्रगति करनी है, ताकि ग्राम पंचायतों में एक अच्छे स्वच्छ वातावरण का निर्माण हो सके। आज जो है निदेशक पंचायती राज और जो मिशन निदेशक हैं भारत मिशन के, वो गोरखपुर आए हुए, गोरखपुर मंडल की यहाँ समीक्षा बैठक हो रही है, खासतौर से SLWM पे, सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, जिसको हम लोग ठोस द्रव अपशिष्ट प्रबंधन कहते हैं, उस पर चारों जिलों की समीक्षा हो रही है, जिसमें मुख्य रूप से कि नाली या उसके अलावा जो सोख्ता गड्ढे का निर्माण है, खाद गड्ढे का निर्माण है, इस पर चर्चा हो रही है। साथ में RRC जो रिसोर्स रिकवरी सेंटर्स को कूड़ा घर कहते हैं, उसके निर्माण पर चर्चा हो रही है, और ई रिक्शा जो कूड़ा उठाने के लिए रिक्शा तथा ई रिक्शा का जो इंतजाम किया जाना है, और जो कूड़ा गाड़ी का इंतजाम किया जाना है, इन सबों पर कहाँ पर कितने कार्य हुए हैं, क्या क्या कार्य अवशेष है, इस पर समीक्षा तथा साथ में प्रशिक्षण भी हो रहा है सभी प्रधान जी लोगों को, जो जिन ग्राम पंचायतों की आबादी 5,000 से अधिक है, उन सबों को धनराशि जो है 705 रुपया प्रति ग्राम पंचायत के हिसाब से दी गई है, प्रति व्यक्ति के हिसाब से दी गई है, लगभग अगर 5,000 की आबादी 37 से 38 लाख रुपया मिला है, ताकि वो हर गाँव को जो है ठोस एवं द्रव अपशिष्ट प्रबंधन से मुक्त कर सकें, और वहाँ कोई भी कूड़ा जो है ठोस कूड़ा या प्लास्टिक जैसा का कूड़ा या फिर जल भराव की समस्या ना रहे।